कोरोना काल में जब अस्पतालों में बेड की कमी है, ऐसे वक्त में मात्र 80 दिनों में डॉक्टर फॉर यू नाम की संस्था ने 50 बेड का अस्पताल तैयार कर दिया है। इन दिनों यहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। ये जो वार्ड जो बन के तैयार हुआ है, ये इको फ्रेंडली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसमें क्या है कि ये टेम्परेचर जो होता है अंदर का, ये एकदम अनुकूल होता है। अगर बाहर गर्मी है तो आपको अंदर गर्मी नहीं लगेगी, और ठंडी के दिनों में ये कमरा अपने आप गर्म रहेगा। इसके वजह से दो चीज होती है, जो अंदर पेशेंट है वो भी कम्फर्टेबल है, और हमारा बिजली का खपत भी इससे कम होता है। अस्पतालों को घास और धान की पराली से बनाया गया है। इसकी खासियत ये है कि गर्मी के दिनों में अस्पताल के कमरे खुद ठंडे रहते हैं, और ठंड के मौसम में कमरे गर्म रहते हैं। इससे बिजली की बचत होती है और मरीजों को आराम भी मिलता है। यह है इस बार किस किस चीजों से बना है? ये घास के, घास और ये पराली जो होती है स्पेशली, उसको कंपोजिट करके, और आप उसके बाद क्या करते हैं हम इसको कि दो तीन केमिकल्स डाल रखते हैं, और उसके बाद इसको हाई प्रेशर डेंसिटी के साथ इसको बनाया जाता है। तो ताकि ये है कि जो भी अपना टेम्परेचर है यहाँ का और जो वेरिएशन है वेदर, उसको ये झेल सके। इन दिनों अस्पताल में कोरोना के 30 मरीजों का इलाज चल रहा है। यहाँ मरीजों के लिए ऑक्सीजन और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं। मरीजों की जांच की भी पूरी व्यवस्था है। तो यह काफी फतवा का बसाही गांव, जो काफी सुदृढ़ और एकांत है, ताकि किसी भी ग्रामीणों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। पटना सिटी से ईटीवी भारत के लिए अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।